सीन दिखाया जाता है सन 2418 का, जहाँ पे पूरी दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और वो इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गई है कि वहाँ के लोगों ने पूरी गैलेक्सी के प्लैनेट खोज डाले हैं। अब वहाँ के लोग टाइम ट्रेवल करके 5 सेकंड में ही एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा अर्थ जिसपे लो ग्रेविटी थी उस पे अब ज्यादा लोग रहते नहीं थे, और उनके पास एक हाई ग्रेविटी वाला प्लैनेट था जिसका नाम ज़ेलेयान था। ज़ेलेयान प्लैनेट पर बहुत सारे इंसान आकर बस गए थे, लेकिन ज़ेलेयान की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 गुना ज्यादा थी, इसलिए किसी भी ह्यूमन को अगर ज़ेलेयान पे आना होता है तो उसे एक सूट पहनना पड़ता है। और ज़ेलेयान की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि यहाँ पे आने वाली स्पेसशिप को भी ग्रेविटी से बचने के लिए एक शील्ड लगाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज उस शील्ड से बाहर फेंक दी जाए तो वो ज़ेलेयान प्लैनेट के ग्रेविटी की वजह से चपटी हो जाती है। यहाँ तक कि ह्यूमन अगर बगैर सूट के वहाँ चले जाए तो उनकी पूरी बॉडी का चूरा हो जाएगा और वो मर जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें उन पर लागू नहीं होती जो ज़ेलेयान में ही पैदा हुए हैं। वो यहाँ की मार देने वाली ग्रेविटी को अच्छे से सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनका बोन उसी तरीके से डेंस है जो कि हाई ग्रेविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सभी ज़ेलेयान में पैदा हुए थे उन लोगों को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्रिएचर्स माना जाता है। उनमें से एक पावरफुल क्रिएचर होती है जिसका नाम लारा होता है। इतने पावरफुल होने का रीजन सिर्फ एक है, उनकी बहुत ज्यादा कड़क हड्डियां और ग्रेविटी को एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है। यहाँ तक कि टाइटेनियम, जो कि उस जमाने की सबसे टफेस्ट मटेरियल थी, उसे लारा अपने हाथों से मोड़ देती है और सर्कल में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर हमें एक पता चलता है कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम USS ऑरविल है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे यूनिवर्स में सभी प्लैनेट का संतुलन बनाए रखने के लिए है और सभी की देखरेख करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पुलिस भी समझ सकते हैं। यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, जो कि कुछ इंसान भी हैं और एलियन भी। उन सभी का एक कैप्टन होता है जो कि उन सभी को गाइड करता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक अलग ही प्लैनेट पर जिसका नाम ज़ारगास 4 है। उस प्लैनेट पर हमें कुछ लोगों का इंटरव्यू होता हुआ दिखाई देता है। उन दोनों लोगों ने कुछ न कुछ क्राइम किया था जिसकी वजह से एक इंटरव्यूअर उनका इंटरव्यू लेता रहता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग ने क्या किया। इस प्लैनेट पर सभी लोगों के पास एक अजीब तरह का बैज होता है और ये बैज सभी को मिला होता है, जिसमें कि एक अपवोट और डाउनवोट का बटन होता है। और यहाँ देखा जा रहा था कि सभी लोग धीरे धीरे करके उन दो क्रिमिनल्स को डाउनवोट कर रहे थे। स्क्रीन पे हमें अपवोट और डाउनवोट का काउंट भी दिखाया जाता है। यहाँ पर उन दोनों क्रिमिनल्स को जेल में लाया जाता है और उनमें से एक वहाँ से भागने लगता है, जिससे कि पुलिस उसे शूट कर देती है और वो तुरंत ही मर जाता है। यहाँ पर दूसरे अपराधी को एक इलेक्ट्रिक सीट पर बिठाया जाता है और जैसे ही उसका डाउनवोट का काउंट 10 मिलियन हो जाता है, उसे हाई वोल्टेज शॉक देकर मार देते हैं। यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है USS के कैप्टन का, जो कि सभी को ये बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उनके दो ऑफिसर ज़ारगास 4 पे रिसर्च करने गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका उनसे कनेक्शन टूट गया और वो अभी तक नहीं आए। तभी कैप्टन ज़ारगास 4 पे जाकर पता लगाने के लिए 4 लोगों की टीम बनाता है, जिसमें से एक होती है कमांडर कैली, डॉक्टर क्लेयर, नेमर और हमारी लारा, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो लोग तैयार होते हैं ज़ारगास 4 पे जाने के लिए। जब वो ज़ारगास 4 पे पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि ये प्लैनेट पूरा 21st सेंचुरी अर्थ के जैसा है। वो जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सभी लोग ने एक बैच पहना है। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को एक कॉम्प्लीमेंट देता है और जो बंदा कॉम्प्लीमेंट देता है उसे वो अपोर्ट करता है, मतलब कि उसे एक लाइक मिल गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर लोग आपको अच्छा समझते हैं या फिर आप लोगों के लिए अच्छा करते हो तो वो आपको अपवोट करेंगे, और अगर आप कुछ बुरा करते हो तो वो लोग डाउन वोट करेंगे, और अगर आपका डाउन वोट 10 मिलियन पहुंच गया तो आपको मार दिया जाएगा। ये पूरा प्लैनेट इसी तरीके से चलता था। यहाँ पर लोग ही डिसाइड करते थे कि दूसरे आदमी के साथ क्या होना चाहिए। कमांडर कैली बाकी दोस्तों के साथ आ जाती है और वो एक बुक स्टोर वाले से पूछने लगती है कि आपने ये दोनों आदमियों को देखा है, लेकिन वो बुक स्टोर वाला उन्हें जवाब न देकर वही सेम बैचेस दे देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें बैचेस लगा के घूमने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर कमांडर कैली और उसके टीममेट जैसे ही वो बैचेस लगाते हैं उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी असाइन हो जाती है, जिससे कि सभी उन्हें अपवोट और डाउनवोट कर सके। वो लोग एक कैफे में जाने लगते हैं पर यहाँ पर नेमर एक स्टैचू के साथ खेलने लगता है। वो उस पर चढ़कर डांस करने लगता है। कमांडर कैली के कहने पर भी वो नीचे नहीं उतरता और वो अजीब तरीके का डांस करते रहता है। यहाँ पर कुछ बच्चे उसका वीडियो बना लेते हैं और वो उस पर हंसते भी रहते हैं। कमांडर कैली जब कैफे के अंदर जाती है तो वो एक औरत जिसका नाम मैरी होता है उससे उनके दो ऑफिसर्स के बारे में पूछती है। यहाँ पर मैरी उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले यही दो आदमी क्रिमिनल के रूप में यहाँ पे आए थे और उनमें से एक को तो मार दिया गया है। वो लोग जैसे ही आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी नेमर का डाउनवोट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया। तभी वो सभी न्यूज देखते हैं, तब न्यूज पर वही सेम वीडियो दिखाई जाती है जो उन बच्चों ने नेमर का लिया था। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को नेमर का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सब लोग उसे डिसलाइक कर रहे थे और उसे डाउनवोट कर रहे थे, जिसकी वजह से अब नेमर बहुत ज्यादा खतरे में था। वो जैसे ही कैफे के बाहर निकलते हैं तो सभी लोग नेमर को रोकने लगते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। यहाँ पर नेमर का वकील भी आया हुआ होता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारा डाउनवोट 10 मिलियन तक पहुँच गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। नेमर कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसे बोलता है कि बचने का कोई उपाय नहीं है। तब नेमर का लॉयर बताता है कि तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू से गुजरना होगा जिसमें तुम्हें ऑडियंस को खुश करना होगा ताकि वो तुम्हें अपवोट कर सके और तुम्हें मरने से बचा सके। नेमर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो हाँ कर देता है। यहाँ पर नेमर अपने बाकी साथियों के साथ मिलता है और ये सब सिनेरियो एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर नेमर का सबसे पहला अपोलॉजी इंटरव्यू था और वो उस इंटरव्यू में काफी एरोगेंटली बात कर रहा था, जैसे वो अपने दोस्तों के साथ करता है, और ये सब वहाँ के ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो सब नेमर को और भी ज्यादा डाउनवोट करते हैं। और यहाँ पर नेमर का डाउनवोट 4 मिलियन तक पहुँच गया था। नेमर को बचाने
बताने के लिए डॉक्टर क्लेयर और लारा उसी मैरी के पास जाते हैं जिससे उन्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। वो जब मैरी को बताते हैं कि वो लोग एलियन हैं और वो दूसरे प्लेनेट से आए हैं अपने दोस्तों को खोजने के लिए, तभी मैरी बताती है कि तुम जिस ऑफिसर्स को ढूंढ रहे हो वो लोग एक केस में फंस गए थे कि उन लोगों ने एक बस में प्रेग्नेंट लेडी को सीट नहीं दिया था। इसी वजह से सभी लोगों ने उन्हें डाउनवोट करना स्टार्ट कर दिया और उनमें से एक तो जेल में ही मारा गया और एक का 10 मिलियन डाउनवोट हो गया था जिसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा और वो भी मर गया। यहाँ पर अगले दिन ही नेमर का सेकंड एपोलॉजी इंटरव्यू होता है और वो इस बार एरोगेंटली बात नहीं कर रहा था, वो सभी लोगों से अच्छे से बात कर रहा था और वो ऑडियंस में बैठे सभी लोगों को हाई फाई भी दे रहा था जो कि बहुत ज्यादा रूट लगा ऑडियंस को और ऑडियंस फिर से उसे डाउनवोट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर नेमर का डाउनवोट 9 मिलियन तक पहुंच गया था। अब नेमर को पुलिस स्टेशन ले आया जाता है वही इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए क्योंकि नेमर का भी 10 मिलियन डाउनवोट पूरा होने वाला था। नेमर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो यहाँ से भागना चाहता था। यहाँ पर डॉक्टर क्लेयर और लारा मैरी को अपने शिप पर ले आते हैं ताकि उनका कैप्टन उनसे बात कर सके। वहाँ पे उनके कैप्टन को नेमर के बारे में पता चलता है और वो सभी मिल के नेमर को बचाने का प्लान बनाते हैं। तभी मैरी बताती है कि वहाँ के लोगों को क्रिमिनल्स के लिए भी सिंपैथी होती है, अगर हम नेमर की अच्छी बातें दिखाएं जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा अच्छी लगे तो नेमर को बचाया जा सकता है। तभी वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग नेमर के बारे में अच्छी बातें बताएंगे जो वो अपने रियल लाइफ में करता है, जैसे कि वो अपने 90 साल की बूढ़ी माँ का ख्याल रखता है, अपने कुत्ते की अच्छी देखरेख करता है और सभी से अच्छे से बात करता है। कैप्टन का एक रोबोट ये सारी न्यूज वहाँ के सोशल मीडिया पर डाल देता है जिससे कि सभी लोगों का अटेंशन नेमर पर आ जाता है और वो लोग नेमर की एक अच्छी साइड भी देखते हैं। यहाँ पर नेमर के 9.4 मिलियन डाउनवोट हो चुके थे, अब नेमर को कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी बूम उसका अपवोट तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेमर के बारे में अच्छी न्यूज देखकर सभी लोग उसे अपवोट करने लगे थे, सभी लोगों को उसका बिहेवियर अच्छा लग रहा था और यहाँ पर नेमर का अपवोट काफी ज्यादा ऊपर चले जाता है और उसका डाउनवोट घट जाता है जिससे कि नेमर बच जाता है। यहाँ पर सभी लोग नेमर को लेके वापस अपने स्पेसशिप पे आ जाते हैं और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। व्यूअर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाती रहती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो।